फॉरेनर का पिज्जा और इंडियंस का पराठा, ये दो ऐसी चीज है ना जिसके बिना हम लोग रह नहीं सकते, और ये आपको हर जगह मिलेगा। मतलब इंडियंस की छाप ना हर जगह हर कोने में होती है। पराठे मतलब अलग से ही दूर से ही खुशबू आ जाती है कि हाँ यहाँ पे तो पराठे ही बन रहे हैं। तो आज ना मैं आपके लिए एक ऐसा पराठा लेकर आई हूँ जो आगरा का फेमस राम बाबू पराठे वाले का पराठा है। मतलब इस पराठे को खाने के बाद ना मुझे ऐसा लगा यार दुनिया में सबसे अच्छी चीज़ ना पराठा ही है। तो क्या करना है आपको, आटे को मार लेना है सॉफ्ट आटा, इसे 15 मिनट का रेस्ट देना, फिर ड्राई फ्रूट्स को पीस लेना, पराठे को बेलना, उसमें लगाना है घी और डालना ढेर सारा पनीर, चीनी और ड्राई फ्रूट्स। वो लोग ना ड्राई फ्रूट्स को है ना पीसेस में डालते हैं, मैं यहाँ पे पाउडर में डाल रही हूँ, आप कैसे भी डाल सकते हैं। इन सबको अच्छे से मिला लेना और इस पराठे को बेल लेना। पता है वहाँ का पराठा अगर आपने नहीं खाया है ना तो ट्राई करना, ऐसा लगता है जन्नत। मतलब इस दुनिया में है ना, स्पेशली इंडिया में खाने की भरमार है, और पराठे जो है ना सबके दिल के करीब होते हैं। तो ये पराठा ना स्पेशली घी में बनाया जाता है और ये थोड़ा मोटा होता है। मतलब इसकी आप एक या दो स्लाइस खा लेंगे ना आपका पेट भर जाएगा, क्योंकि फिलिंग बहुत सारी होती है और बहुत ही टेस्टी होता है खाने में। और घी से बनी हुई चीज़ें ना उसका तो स्वाद ही अलग होता है। इसे दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेना है जब तक कि अच्छा सा रेड गोल्डन नहीं हो जाता, और फिर लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट इसके ऊपर फिर से डाल देना ढेर सारे नट्स और डाल देना थोड़ी सी चीनी, और इस गर्मा गर्म पराठे को दही के साथ खाना। अब हम लोग इतनी सब्जियां तो नहीं बना सकते ना, तो पराठे को दही से ही काम चला लेना। एंजॉय करना।